इतने बैनर में रहते हैं भाई, चुकन्ने हो जाए यहाँ पे, चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं किसी का भी, मेरे पास वीडियो पड़ी है, उसकी फोटो पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज ना मेरे साथ कुछ ऐसा कांड हो गया कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई वीडियो बना ही दूँ और आपको भी अवेयर कर ही दूँ। तो गाइस, आपको पता ही है थोड़े दिन पहले मेरा हेलमेट चोरी हुआ था। तो आज मैंने स्टूडियो से जैसे ही ऑफ किया, जो यहाँ पे बच्चे डांस सीखते हैं वो घर जा रहे थे। जैसे आशी होगी, गरिमा होगी, रिया होगी, आदित हो गया और वरुण हो गया, वो घर जा रहे थे ना। तो जैसे नीचे गए तो भाई उनको मेरा हेलमेट मिला। ये चोरी हुआ था बैजनाथ मंदिर के पार्क से, मे बी आज से 10 या 15 दिन पहले। जैसे ये चोरी हो ना, उसके बाद मैंने इसके बारे में सोचना ही बंद कर दी, क्योंकि मैंने उसी दिन ये वाला हेलमेट ले लिया जो कि स्टील वर्क का था, बट इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो मेरा चोरी हुआ, जो मिला भी ना, वो मेरा फेवरेट हेलमेट था। तो फिर मैंने सोचा भाई चलो चोरी हो गया, कोई सीन नहीं है। फिर ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे ना बैजनाथ ने एक दो बार दिखा, मुझे नहीं दिखा, स्टूडेंट को ही दिखा। मैंने सोचा बच्चे मजाक कर रहे हैं, इनको पिछली बार घर में बोल रही थी, फिर ये भी बोल रही थी, फिर राशि बोल रही थी कि सर मैंने हमने देखा है देखा। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई जब भी आपको हेलमेट मिलेगा ना, तो उसकी फोटो खींच लेना, जब वीडियो बना लेना। तो आज ऐसे ही हुआ, 6 बजे जैसे मैंने उनको छुट्टी करी ना, तो मेरी ऑनलाइन क्लास लगी हुई थी, ये मुझे कॉल कर रहे थे, तो मैं कॉल कट कर जा रहा हूँ। मैं तो उनका फोन बार बार कट कर दे रहा था। तो उषा मैम भी थे, तो उन्होंने उषा को कॉल किया, फिर उन्होंने उषा को कॉल किया और उषा ने पिक किया कि बोला कि सर आपका हेलमेट मिल गया है। तो पहले तो बच्चों ने मुझे फोटो सेंड करी एंड फिर मुझे इस बंदे का भी वीडियो शेयर किया, जहाँ पे मतलब था ये तो ATM में था, बंदे पैसे निकलवा रहा था। और फिर बच्चों ने बातचीत करी कि हेलमेट मिल गया, तो वो बंदे बोलते हैं भाई जो हेलमेट है आपका रात के हमें 8 बजे मिला। तो उनको ये नहीं पता कि भाई उसी दिन मैंने पूरा 6-7 बजे तक पूरा ढूंढा है हेलमेट पूरे पार्क में। तो हमने ध्यान नहीं दिया, हम प्रैक्टिस में मगन हो गए और वो बंदे मेरे हेलमेट लेके फरार हो गए। तो मैं सोचा पता नहीं भाई कोई और ले गया होगा, कि उन्होंने तो नहीं दिया होगा, कि वो हमसे बातचीत भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने विश्वास कर लिया कि मैंने भाई वो क्यों ले गया रहा, वो ऐसे बाहर से आए वो क्यों ले गया। ये विश्वास मेरा तब टूटा जब बच्चों ने बोला कि सर वो जो बंदे हमारे साथ बैठे थे ना, उन्होंने ही आपका हेलमेट लिया है और हमें 2 बार मिल चुका है। तभी से मैंने उनको बोला कि भाई जब भी आपको हेलमेट मिलेगा ना, फोटो खींच लेना, जब गाड़ी का नंबर नोट कर लेना। तो आज ऐसे ही किया, तो फाइनली मेरा हेलमेट तो मुझे मिल चुका है। इस वीडियो का मेन बनाने का यही मोटिव था कि जितने बैनर में रहते हैं भाई, चुकन्ने हो जाए यहाँ पे, चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं किसी का भी, मेरे पास वीडियो पड़ी है, उसकी फोटो पड़ी है, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी आप ध्यान रखें चीजों का ना, कोई भी कभी भी आपका सामान को उड़ा ले सकता है। और बैनर में चोरी हो रही है वो भी मंदिर के आसपास, तो क्या ही बोले भाई, भगवान को देखेगा उनको भी। फिर भी आप ध्यान रखें हमें चीज़ों का। मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको जो करना थोड़ा सा, कि किसी भी भरोसा ना करें ज़्यादातर जो बाहर से आए हैं। वैसे मैं बाहर से आए, यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर बैठा हूँ अपने घर से, पर फिर भी हम ऐसे काम कभी नहीं करते। फिलहाल गाइस यहीं पे लेते हैं अलविदा। आई होप कि आपको हमारी सारी वीडियो अच्छी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने बैजनाथ वाले को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद। स्टार्टिंग से बताओ पूरा हुआ क्या? ओके भाई आप भी ध्यान रखें इन चीजों का। पार्क से चोरी हुआ पर हमें बस स्टैंड पे 2-3 बार मिला था, और 8:30 बजे ये झूठ बोल रहे हैं, उठाया उन्होंने नहीं। हम तो हम कितने ढूंढ रहे थे उधर, 6-7 ढूंढ रहे थे, नहीं मिला था हमें, है ना। थैंक यू सो मच पार्टी, क्या खाओगे बोलो।